जनपद हरदोई में बेनीगंज, प्रतापनगर, कोतावा सहित जिले भर में झोला छाप डॉक्टरों की है भरमार। आपको बता दें कि जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों सहित नगरों में भी झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। वहीं झोला छाप डॉक्टरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इन झोला छाप डॉक्टरों पर अंकुश लगाता नजर आ रहा है। वहीं ये सब इन झोला छाप डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के इशारों पर चल रहे, बिना कोई डिग्री के क्लिनिक खोलकर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही बेनीगंज, प्रतापनगर, कोतावा आदि जगह पर बड़ी संख्या में डॉक्टर बन के मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ महंगी महंगी दवा भी देते हैं। वहीं बेनीगंज के एक क्लिनिक पर कैमरा देखते ही डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर भाग निकले। आपको बता दें कि बेनीगंज नगर के कुर्सी रोड में, बेलैया रोड सहित हर गली में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। रहने वाले कौन डिग्री है आपके पास? मतलब डॉक्टरी करते हुए? हाँ, बीएमएस। क्या बेड का नर्सिंग होम है आपका? बेड नहीं है, तखत पड़े बेड। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट, हरदोई। ब्लॉक बिजवा के मुडा सवारन में पहुंचे बीजेपी सांसद अजय मिश्र टेनी। वहीं लोगों ने उनके आने की सूचना पाकर कुलदीप सिंह, रुद्र सोना अध्यक्ष, बालकृष्ण जायसवाल बीजेपी सेक्टर संयोजक ब्रजलाल आनंद, बीजेपी महामंत्री कश्मीर सिंह, जिला पंचायत सदस्य आदि पुरुष महिलाएं उनका स्वागत करने की तैयारी में लग गए। और उनके आते ही उनका स्वागत हर्षोल्लास के साथ किया। वहीं हाथों में फूल की माला लेकर स्वागत किया तथा अजय मिश्र टेनी ने भी सभी का आशीर्वाद लिया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू लाल की रिपोर्ट, लखीमपुर। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वीरेंद्र कुमार मिश्र द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पुलिस लाइन स्थित सभागार में सभी क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष के साथ मीटिंग की गई तथा संबंधित अधिकारी गणों को चुनाव के मद्देनजर सतर्क दृष्टि बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दुर्गेश कुमार की रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर। बीएल कोठारी ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया तथा सीधे ही संभाग स्तरीय लोकसभा चुनाव 19 की राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में भाग लिया। साथ ही कोठारी ने मंगलवार को विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारियों, तीनों अस्पतालों के अधीक्षकों के साथ ही विभिन्न अधिकारियों से मुलाकात तथा पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। वहीं आईएएस कोठारी अब तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त, जिला कलेक्टर, जालौर अतिरिक्त निदेशक स्वास्थ्य मिशन एवं निदेशक और विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सचिव आरपीएस, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा, रजिस्ट्रार वर्धमान, महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, आरएए कोटा, सीईओ जिला झालावाड़, टोंक एवं सवाई माधोपुर सहित अनेक जिलों में प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं कोठारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संपूर्ण तैयारियां ली गई हैं। वहीं कोठारी ने कहा कि मतदाता आसानी से मतदान करे, उनके लिए संपूर्ण व्यवस्था ऑनलाइन की गई। अगर कोई मतदाता अपना मतदान सूची में है या नहीं जाना चाहता है तो 1950 कॉल करके पता कर सकता। इसके साथ ही कोठारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान पार्टियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही प्रथम चरण में प्रशिक्षण दिया जा चुका है और तीसरे चरण के लिए जल्द ही दिया जाएगा। इसके साथ ही संभाग में शांतिपूर्ण मतदान हो, उसके लिए संपूर्ण तैयारियां। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रफीक मोहम्मद की रिपोर्ट, जोधपुर, राजस्थान।